टाइम ट्रैवल एक्सप्रेस के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं खड़ा हूँ इस वक्त पीछे, आप देख रहे हो पीछे है चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस स्टेशन वाराणसी। और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ सारनाथ। सुबह मैं चला गया था गंगा घाट दिशाश्वमेध, वहाँ मैं सुबह गंगा स्नान किया और सुबह फिर से एक बार आ गया था काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहाँ दोबारा से मैंने अच्छे से बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दूसरा, अगर आप सुबह की भी गंगा आरती देखना चाहते हो, जैसे शाम को जो 6:30 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन आप सुबह की, आप भोर के टाइम पे अगर आप गंगा जी की आरती देखना चाहते हैं तो आप दशाश्वमेध घाट सुबह पहुंच सकते हैं लगभग 4:30 बजे, क्योंकि 5 बजे जो है गंगा आरती शुरू हो जाती है। तो सुबह के टाइम और शाम के दोनों टाइम गंगा आरती होती है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी खड़े हैं ISBT वाराणसी, यहाँ से हमें मिलेगी बस सारनाथ की। आप देख रहे हो हमारे पीछे प्राइवेट है एक्सप्रेस वे, इनमें हम सारनाथ जा सकते हैं लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि इनमें प्राइस वगैरह ज़्यादा होता है। पीछे आप देख रहे हो यूपी रोडवेज की ऑरेंज वाली इलेक्ट्रिक बस है, ये अभी कुछ देर में यहाँ पे आ जाएगी और इससे हम चलेंगे सारनाथ। ये हमारी बस सारनाथ जाने वाली, ये आ चुकी है E107 बस का नंबर है। तो अगर आप यहाँ से वाराणसी ISBT से अगर आप सारनाथ जाना चाहते हैं तो बस का नंबर आप दे सकते हैं E107, ये आपको सारनाथ लेके जाएगी और फेयर है इसका 20 रुपये यहाँ वाराणसी कैंट स्टेशन से। सारनाथ बस ने मुझे उतार दिया है और अब यहाँ से सारनाथ जितने भी लोकल प्लेसेस हैं वो सब आज मैं घूमने वाला हूँ। और यहाँ पे सारनाथ में बस हमें जहाँ उतारती है ये है सारनाथ टेम्पल, सारनाथ टेम्पल के पास बस उतारेगी। और यहाँ पे आप जो है खाने पीने का आप सामान देख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है और कुछ सामान थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सारनाथ में हम चल रहे हैं सबसे पहले सारनाथ टेम्पल। सारनाथ टेम्पल मैं आ गया हूँ और इसका जो टाइम है ये 11 बजे से पहले तक जो है ये ओपन होता है, 11 बजे जो है टेम्पल जो है बंद हो जाता है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर सारनाथ टेम्पल के। सारनाथ टेम्पल के अंदर हम आ चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं भगवान बुद्ध की, आप सामने प्रतिमा स्टैचू ऑफ गौतम भगवान बुद्ध आप सामने देख सकते हैं। मंदिर के अंदर आप हर एक दीवार पे जो है जो गौतम बुद्ध के 9 सर्मन्स थे वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आर्ट के फॉर्म में यहाँ पे दीवारों पर जो है गौतम बुद्ध के जो 9 सर्मन्स थे वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। बौद्ध टेंपल देखने के बाद मैं आ गया हूँ बोध ट्री कॉम्प्लेक्स में। बोधी ट्री कॉम्प्लेक्स में आप सामने देख सकते हो ये पूरा बोधी ट्री सामने, और उसके नीचे गौतम बुद्धा और उनके जो 5 डिसाइपल्स है उनका ये छोटा सा स्टैचू। गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन जो है इसी बोधी ट्री के नीचे दिया था
और अपने इन 5 डिसाइपल्स को उसका छोटा सा एक दृश्य, उसका छोटा सा एक सीन यहाँ पे स्टैचू के फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, यहाँ लिखा जैसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र द व्हील ऑफ लॉ द फर्स्ट सर्मन ऑफ शाक्यमुनि बुद्ध डिलीवर्ड एट द स्पातना डियर पार्क सारनाथ। इसमें आप देख सकते हो दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसमें दिया गया है और इंग्लिश ट्रांसलेशन इधर है। अगर आप यहाँ पे डियर पार्क जू देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप आ सकते हैं, इसकी एंट्री टिकट है 10 रुपये पर पर्सन। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ धामे के स्तूप और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है सुरक्षित रखा गया है, सेफ रखा गया है। और यहाँ पे आप जो है एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, सामने टिकट काउंटर है लेकिन कैश की फैसिलिटीज़ बंद है, टिकट काउंटर विंडो बंद है। आपको जो टिकट है इसकी वो ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी और टिकट का जो प्राइस है वो इसका धामे के स्तूपा का वो 20 रुपये है। धामे के स्तूपा कॉम्प्लेक्स में मैं अंदर आ चुका हूँ और आप सामने जितने भी रिमेन्स देख रहे हैं ये हैं सारे मोनेस्ट्रीज़ के, जो उस टाइम मोनेस्ट्री हुआ करती थी यहाँ पर पूरे एरिया में सारनाथ में, ये उनके रूम्स हैं और हर एक मोनेस्ट्री को अलग अलग नंबर दिया गया है। जो बिल्कुल एंट्री गेट के सामने ये वाली है ये है मोनेस्ट्री नंबर 7। इसी तरह से अलग अलग मोनेस्ट्रीज यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सामने मोनेस्ट्री नंबर 5, तो ये मोनेस्ट्री नंबर 5 है, ये उसके रूम्स है, बाकी जो भी स्ट्रक्चर था वो इसके ऊपर था, जो सब जगह से टूट चुका है वो, उसके बाद जो उसका बचा हुआ एरिया है वो सब यहाँ पे अभी सेव करके ASI ने विजिटर्स के लिए टूरिस्ट के लिए रखा हुआ है। और यहाँ सामने जो आप देख रहे हो ये है बीच में धर्मराज का स्तूपा, पहले इसके ऊपर बड़ा सा स्तूपा हुआ करता था बट वो टूट गया, तो उसके बाद उसके नीचे का बेस ये बचा है जो इसका धर्मराज का स्तूपा का नीचे का बेस। धर्मराज का स्तूप की हिस्ट्री की अगर बात करें तो धर्मराज का स्तूप को जो है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था जो लॉर्ड बुद्धा के रिलिक्स थे उनको एनश्राइन करने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने भगवान बुद्ध के जो 8 मूल स्तूप हुआ करते थे उनमें से जो उनके 7 धातु स्तूप थे उनको खोल दिया था, सिर्फ एक स्तूप जो था उनका जो रामग्राम स्तूप था, क्योंकि वो काफ़ी सारे स्नेक्स नागों के उसके आसपास घेरा हो रखा था, जिस वजह से अशोक ने रामग्राम स्तूप छोड़ के बाकी जो 7 धातु स्तूप थे उन सभी को उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया था, या कह सकते हैं उनको इतने डिस्ट्रॉय करते ताकि वो अलग से जो है अपने नाम से जो है हजारों स्तूप जो है गौतम बुद्धा के अलग अलग जगह बनवा सके। और उन्हीं 8 स्तूपों में से एक ये है धर्मराज का स्तूप। अभी मैं आया हूँ अशोक पिलर अशोक स्तंभ देखने, आप देख सकते हो जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे का हिस्सा आपको दिख जाएगा और जो बाकी का ऊपर का हिस्सा है वो आप इसका जो सारनाथ म्यूजियम है आप वहाँ पर देख सकते हो। अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने 272 से 232 ईसा पूर्व में लगाया गया था और इसकी हाइट जो है ये हुआ करती थी ज़मीन से लेकर टॉप तक ये 15.25 मीटर इसकी हाइट हुआ करती थी। ये जो आप सामने रूम्स देख रहे हो ये है धम्म चक्र जिन विहार के और इसमें यहाँ पे कुआं भी हुआ करता था, उसका भी रिमेन्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी रूम्स में आप चाहे तो यहाँ पे उस टाइम की कलाकृतियाँ भी आप जो है ये देख सकते हैं जो इसमें पत्थर पे यहाँ पे ये करी गई है। यहाँ पर अभी जहाँ पर हूँ मैं ये है मूलगंध कुटी विहार, यहाँ पे लिखे बोर्ड से पता चलता है कि ये एरिया जो है मूलगंध कुटी का ये जो है उस टाइम का भगवान बुद्ध का जो है ये क्या कहते हैं ध्यान साधना स्थल हुआ करता था और जहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर जो है इस पूरे बेस पे बना करता था और इसका जो टाइम पीरियड है गुप्ता टाइम पीरियड के डिज़ाइन के हिसाब से लगता है देखने में। यहीं पर आप देख सकते हो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो सीधे सामने
यहाँ से जाके मिलता है सीधे वरुणा नदी में। अभी हम पहुँच चुके हैं धामेक स्तूपा, और इसे धामेक स्तूपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्धा ने यहीं से जो है धर्म की स्थापना की थी। अभी जैसे आप सामने धामेक स्तूपा को देख रहे हो, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि ये काफ़ी मतलब गंदा सा हो गया था और काफ़ी ब्लैकिश हो गया था, तो इस वजह से इस पे जो है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसको थोड़ा साफ़ किया जा रहा है। और आप देख सकते हो इसके ऊपर इंस्क्राइब्ड आप आर्ट वगैरह, आप लैंग्वेजेस वगैरह वो भी आप देख सकते हो जो इसके ऊपर धामेक स्तूपा के ऊपर की गई है। धामेक स्तूपा के बारे में एक फैक्ट और भी है कि जब ब्रिटिशर्स ने इसकी धामेक स्तूपा की बाहर से खुदाई करवाई, देखना चाहा कि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर से ब्राह्मी स्क्रिप्ट का शिलापट्ट मिला, और जब इसको और अंदर से खोदा गया तो धामेक स्तूपा के अशोक ने एक छोटा सा और स्तूपा इंस्क्राइब करवाया हुआ था, वो इसके अंदर से खुदाई के वक्त मिला था। अब क्योंकि गौतम बुद्धा ने यहीं से धामेक स्तूप से ही जो है धर्म की स्थापना करी थी, और धामेक स्तूपा को गौतम बुद्धा के द्वारा धर्म की स्थापना किए जाने का एक प्रतीक, एक चिन्ह माना जाता है, इसलिए लोग इसे दूर दूर से देखने यहाँ आते हैं। तो अगर आप सारनाथ विज़िट करने आ रहे हैं और धामेक स्तूपा देखना चाहते हैं तो ये आपको सारनाथ म्यूज़ियम से पास में ही पड़ेगा, एक बार धामेक स्तूप ज़रूर आइए, आपको यहाँ के बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आया हूँ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ सारनाथ, और यहाँ पर मोबाइल और बैग वगैरह सब में सबमिट करना, कुछ भी हम अंदर से नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आप अंदर अपने साथ कुछ भी सामान ले सकते हैं, कोई भी गैजेट वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते, सब आपको यहाँ क्लॉक रूम में जमा करना होगा। अभी मैं आ गया हूँ सारनाथ के थाई टेम्पल में, और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड यहाँ पर पार्क वगैरह बनाया गया है, आप जिस तरह से काफ़ी सारे लोग पीछे ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं, और पीछे गौतम बुद्धा का काफ़ी टॉल स्टैचू आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आके आप थाई टेंपल भी अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर फ़ोटो वगैरह लेना गौतम बुद्ध का टॉल स्ट्रक्चर तो वो भी आप ले सकते हो। अभी आया हूँ मैं सारनाथ की लास्ट टूर लोकेशन, और ये है चौखंडी स्तूपा। इसका टिकट काउंटर हिसाब में सामने देख रहे हो, लेकिन टिकट काउंटर बंद है, तो इसकी टिकट जो है वो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। इस स्तूपा को चौखंडी स्तूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ये चार भुजाओं, या आप कह सकते हो फोर आर्म के बेस पर इसका निर्माण किया गया है। और इस स्तूप को जो है गुप्ता पीरियड में 4th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण किया गया था। गौतम बुद्धा का ये चौखंडी स्तूपा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बोधि प्राप्ति के दौरान भगवान बुद्ध की जो भेंट है वो 5 वर्गीय भिक्षुक से हुई थी यहाँ पर। जैसा कि आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि इंडिया में एक चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे जिसका नाम था ह्वान तीसांग, तो उनका जो खुद का विवरण है या उनकी जो ट्रैवल जर्नी है इंडिया की, उन्होंने अपने उस ट्रैवल जर्नी में चौखंडी स्तूपा का जिक्र भी किया है। तो अगर आप उनकी बुक्स वगैरह कुछ पढ़ेंगे, आपने कभी उनके बारे में स्टोरी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने ज़रूर इस स्तूप का नाम सुना। चौखंडी स्तूपा देख के बाहर मैं गेट से आ चुका हूँ, और ये था हमारा आज का सारनाथ का लास्ट टूरिस्ट स्पॉट। और अगर आप सारनाथ घूमने आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे होने चाहिए। मैं वाराणसी से यहाँ पर बस लेके जो है 10:30 आ चुका था, और वाराणसी से बाई बस अगर आप इलेक्ट्रिक बस से आते हैं तो आपको आधा घंटा लगेगा और 20 रुपये किराया लगेगा। ऑटो वगैरह से आते हैं तो भी आपका 30 से 40 रुपये वो लोग पर सवारी, पर पैसेंजर वो लोग लेते हैं सारनाथ लाने का। और उसके बाद जब सारनाथ आ जाएँ तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए सारनाथ टेम्पल, क्योंकि 11:30 बाद वो बंद हो जाता है, बाकी सारी जो भी जगह हैं वो सारी उसके बाद शाम तक ओपन रहती है। तो आप आराम से 3 से 4 घंटे लेके जो है आराम से सारनाथ घूम सकते हैं। तो यही 3 से 4 टूरिस्ट स्पॉट हैं सारनाथ में। तो ये सारे मैं देख के अब वापस चल रहा हूँ वाराणसी, वहाँ से अपना लगेज लेके वापस गोइंग टू प्रयागराज, और वहाँ से ट्रेन लेके रात में वापस दिल्ली। तो यहाँ पे इसके साथ सारनाथ का ब्लॉग आज का ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो, तब तक के लिए
बाय बाय। और सारनाथ घूमने आ रहे हैं तो आराम से 3-4 घंटे लेके तब आप आ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ट्रैवल व्लॉग में।